चलिए आगे बढ़ते हुए अब रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, जहां एक तरफ कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, जहां देश में वैक्सीनेशन को लेकर नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की अधोईवाला बस्ती में कोरोना के बाद शायद सरकार झांकना भूल गई। कोरोना के बाद लगाए गए लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू के बाद यहां के हालात और खराब हो गए हैं। तब से लेकर यहां सरकारों की योजनाओं की एक किश्त भी नहीं पहुंच पाई है। यहां ना तो शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही रोजगार की। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी दरवाजे बंद हैं। उत्तराखंड के सैकड़ों परिवारों में 2 जून की रोटी के संघर्ष को लेकर न्यूज फॉर इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कोविड महामारी ने दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को इस कदर चोट पहुंचाई है कि शायद इससे उभरने में दशकों लग जाएं। इन हालातों में सबसे मुश्किल परिस्थितियां मेहनतकश मजदूरों के सामने थी, खासकर वो जिन्होंने 2 जून की रोटी के लिए आशियाना छोड़ अनजाने शहरों का रुख किया। वहीं कोर्ट ने इसी बात को समझा और राज्य सरकारों को ऐसे मजदूरों की रोजी रोटी की व्यवस्था के निर्देश दिए। सरकारों ने भी लॉकडाउन में मजदूरों के खाने की व्यवस्था की और लोगों ने निजी रूप से ऐसे परिवारों की मदद की, लेकिन संक्रमण के मामले कम हुए और लॉकडाउन खत्म कर कर्फ्यू में राहत भी दी गई। बस यहां से मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ने लगी। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को भूल गई और प्रशासन ने एनजीओ के भरोसे लोगों को छोड़ दिया। सुमित्रा पिछले कई सालों से देहरादून की अघोईवाला की इसी बस्ती में रहती है। अपने पति के साथ 70 साल की सुमित्रा किसी तरह अपने दिन काट रही थी, लेकिन कोरोना की दस्तक और पति को किडनी की समस्या उसे जीवन भर का दर्द दे गई। सुमित्रा के पति की इस बीमारी पर उसकी न केवल जमा पूंजी खत्म हो गई, बल्कि वह अब लोगों के कर्ज में भी आ चुकी थी। कर्ज बढ़ता चला गया तो पति को अस्पताल से इलाज के बिना ही घर लाना पड़ा। नतीजन पति की दुखद मृत्यु हो गई। सुमित्रा अपनी ये बात बताते हुए रो पड़ती है और कहती है कि अब उनका कोई नहीं है और हर रोज घर पर लेनदार कर्ज वसूलने आ धमकते हैं। वह कहाँ जाएगी, क्या खाएगी और कैसे कर्ज चुकाएगी, उसे कुछ नहीं पता। ना क्या बस अपना ला रहे खा रहे, अब एक आध जगह काम कर रहे थे वही मना कर रही कोठी वाली, तो बताओ क्या करे। मजदूर आदमी हमारे घर वाला बीमार था, अभी बड़ी मुश्किल से बचे यार। अब भी दवाई चल रही है, अब दवाई नहीं आई पाई। 5-15 दिन की दवाई बताई थी तो एक दिन की दवाई ले आए, वो भी अस्पताल ने मनु कह दिया बाहर से ले दवाई। तो कहाँ से ले आऊं जब पैसे ढिला नहीं, तो कहाँ से। परेशान हमारा लड़का परेशान, बीमार पेट में दिक्कत है। ठीक ठाक तो बस क्या चल रहा अपना, वही 2-3 किलो आटा लिया तो वही अपना 4 बाल को मैं कहाँ बचो। अघोईवाला की इस बस्ती में मायूसी और बेबसी की ऐसी कई कहानियां हैं। यहां ऐसे सैकड़ों मजदूर हैं जिन्हें पिछले 2-3 महीनों से काम नहीं मिल रहा है। कहने को तो लॉकडाउन खुल चुका है लेकिन बाजार में काम नहीं, और ऐसे मजदूरों को अपना परिवार चलाने के लिए अपने घर का सामान बेचना पड़ रहा है। यहाँ पर मजदूरों के नेता अशोक कुमार कहते हैं कि एक तरफ मजदूर अपना घर का सामान बेचकर रात की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, तो सरकार है कि ना तो यहाँ के हालातों को देखना चाहती है और ना ही राशन या दूसरी कोई सहूलियत ऐसे मजदूरों के लिए की जा रही है। घर की हालत तो इतनी खराब है पूछो मत, क्या करे। काम धंधा चल रही है, रोज की रोज बारिश पड़ रही है, काम बिल्कुल भी नहीं रहा, कुछ रोजगारी भी नहीं रही है। अब ये दिक्कत इस बात की, जो काम आ रहा है वो बारिश के हो रही, जो उधार हो रहा वो चला जाता, काम है नहीं इस टाइम। गुजारा बस चल ही रहा है, वो इधर उधर लेके उधार पानी करके ये भी काम हो रहा है। हम दोनों विकलांग आदमी, हमारा भी बारिश बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, लॉन्ग वो चल रही है, पढ़ाई चल रही है, फोन से फोन, बड़ा फोन है नहीं, फोन कहाँ से लेंगे। जब गरीब भी है तो फोन लेंगे कहाँ से लेंगे, इसलिए घर बैठे हुए है, घर बैठे कुछ होने का नहीं। पता नहीं बताओ कि क्या स्कूल में पढ़ तक तो पढ़ रहे थे, अब नहीं पढ़ रहे। अब तक तो पढ़ रहे थे, अब बच्चे अब नहीं पढ़ पा रहे, फीस वजह की, फीस के वजह से उन्होंने निकाल दिया। घर की रोजी रोटी चलाने में भी असमर्थ ये मजदूर प्रशासन की बेफिक्री का हर्जाना भुगत रहे हैं।
शायद सरकार और प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के उन देशों को भूल चुके हैं जिसमें मजदूरों के लिए इन कठिन हालातों में राशन की व्यवस्था के लिए कहा गया है। इस बस्ती से दर्द की कहानी बस इतनी ही नहीं है, इलाज में कर्जदार बनी सुमित्रा हो या भूखे पेट रहने वाले मजदूर, इन सभी के सामने अपने आज से लेकर बच्चों के कल तक के लिए दिक्कत ही दिक्कत है। इसी बस्ती के गोपी राम और उनकी पत्नी दोनों ही दिव्यांग हैं। वैसे तो ये दोनों ही सिलाई बुनाई कर अपना घर चलाते थे, लेकिन कोरोना ने इसकी रोजी रोटी को भी संकट में डाल दिया। गोपीराम कहते हैं कि उनका ना तो आज का भरोसा है और ना ही उनके बच्चों के कल का भविष्य। गोपीराम की मां ने तो कोरोना से पहले सब ठीक चल रहा था और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे पा रहे थे, लेकिन स्कूल बंद हो गए और सब ठप हो गया। अब ना तो खाने का कोई इंतजाम है और ना ही बच्चों के पास स्मार्टफोन जिसके जरिए वह उन्हें ऑनलाइन कक्षा दे सके। कोरोना काल ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर दिया है, जिसके चलते गरीब तबके के लोगों को रोजी रोटी के लिए भी भटकना पड़ रहा है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को अपने इलाज के लिए भी घर का सामान बेचना पड़ रहा है। ताज़ा मामला राजधानी देहरादून का था, जहां बस्ती के लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे और सरकार से गुहार कर रहे थे कि उनकी समस्या का निदान जल्द से जल्द सरकार करे। सरकार को भी जरूरत है कि ऐसे लोगों की मदद के लिए एक बार फिर कुछ नई योजनाएं बनाई जाए, ताकि इन लोगों को दर दर भटकना ना पड़े। देहरादून से सुभाष कौर, न्यूज़ 1।